सब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IBPS और SBI के बारे में। SBI PO का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा तो अक्टूबर की 15 तारीख से पहले आपका नोटिफिकेशन IBPS का और SBI का आ जाएगा। अगर उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आता है तो NRA CET के बाद आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो नोटिफिकेशन है वो 15 तारीख से पहले ही आ गया है। अब जो इसका एग्ज़ाम की जो डेट होगी वो नवंबर के लास्ट में या फिर आपके दिसंबर के स्टार्टिंग में आपसे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा और उसके कुछ दिन बाद आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो इसकी कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आपका अगले साल ही आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें एक जो सवाल है वो ये उठता है कि NRA CET के लिए फिर कौन सा एग्ज़ाम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सभी जो डिपार्टमेंट हैं वो तो अपने एग्ज़ाम करा ही रहे हैं। इधर IBPS क्लर्क ने भी अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है और SBI PO ने भी डाल दिया है। तो अब NRA CET का जो लागू होंगे वो इनका जो दूसरा रिक्रूटमेंट आएगा 2022 का वो उसमें लागू होंगे। ये वाले जो 2021 के अंदर आए हैं ये तो NRA CET से अलग हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप बैंकिंग, रेलवे और SSC से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।